समय हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। भीरों जैसी बातें करके प्रजापति दक्ष को उत्तेजित न करें महारानी। शुभ अशुभ, पाप पुण्य और सत्य असत्य, रक्त सम्राट दक्ष प्रजापति के अनुचर हैं। हम स्वयं जिस घटना के और जिस परिणाम के इच्छुक होते हैं, वो घटना उसी प्रकार घटती है। किंतु जो सत्य है, किंतु परंतु जैसे शब्दों से पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को घृणा है, महारानी वीरणी पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति से बात करते समय क्या तुम इन शब्दों को नहीं अलग रख सकती? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शब्दों का उचित ज्ञान प्रदान नहीं किया? आप हर उचित अनुचित बात में मेरे आदरणीय पिताश्री को क्यों ले आते हैं? आपको ये शोभा नहीं देता स्वामी। मत भूलो महारानी, तुम इस समय पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के सम्मुख खड़ी हो। इस पृथ्वी लोक का हर प्राणी दक्ष प्रजापति के सम्मुख तुच्छ होता है। तुम भी और तुम्हारे पिता प्रजापति वीरण भी। मैं आपकी उपेक्षा करने की इच्छुक नहीं हूँ, किंतु एक चेतावनी देने की इच्छुक अवश्य हूँ। चेतावनी? ऐसी चेतावनी महारानी? मेरे आदरणीय पिताश्री तो केवल एक कन्या के पिता हैं, किंतु आप 41 कन्याओं के पिता हैं। तरीक सोचिए, यदि आपके जामाताओं ने भी आपका इसी प्रकार अपमान करना प्रारंभ कर दिया तो? अपनी मर्यादा को लांघने का तो साथ न करें महारानी, अन्यथा परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के जामाता, प्रजापति दक्ष का मान तो दूर, उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पृथ्वी लोक के एक छत्र सम्राट स्वामी दक्ष प्रजापति हैं। स्वामी, अहंकार का परिणाम कदापि शुभ नहीं होता। परमपिता, जब सौभाग्यवश मुझे आपकी इस पवित्र ज्योति के दर्शन हो ही गए हैं, तो कृपा कर अपने महान दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। परमपिता, मुझे कृतार्थ करें। नारायण। विश्राम के समय इस प्रकार कहां भटक रहे हो नारद? परमपिता, भटकना कैसा, भक्त तो हर समय अपने भगवान को ही खोजता रहता है। नारायण नारायण। इस प्रकार क्यों नहीं कहते नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा के बढ़ते आकार ने तुम्हारी रात्रि की निद्रा भी छीन ली है? हाँ परमपिता, ये मेरी जिज्ञासा का ही परिणाम है कि जन कल्याण में लगी मेरी भावना मुझे आप जैसी परम शक्तियों के सहज ही दर्शन करवा देती है। मैं तो अपनी जिज्ञासा को शत शत धन्यवाद ही दूंगा। नारायण नारायण। उचित है, तुम अपनी जिज्ञासा को धन्यवाद दो, मैं ब्रह्मलोक प्रस्थान करता हूँ। परमपिता,
जब सौभाग्य से मुझे आपके दर्शन मिल ही गए हैं, तो मेरी जिज्ञासा का शमन करते हुए मुझे इतना भी बता दें कि आप आ कहां से रहे हैं। हम प्रजापति दक्ष को परामर्श देने गए थे नारद, किंतु उसने हमारा अपमान किया। नारायण नारायण। परमपिता, अहंकार करना एवं हरेक का अपमान करना तो भैया दक्ष का स्वभाव बन गया, इसमें आश्चर्य कैसा। परंतु इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अहंकारी का परिणाम शुभ हो ही नहीं सकता परमपिता। किंतु दक्ष कन्याओं का भविष्य क्या होगा परमपिता? तुम्हारी जिज्ञासा ने प्रश्न बनना आरंभ कर दिया है, तो सुनो नारद। अपनी दिव्य दृष्टि से दक्ष कन्याओं का भविष्य देखकर हम स्वयं चकित हैं। नारायण नारायण। परंतु ये समय उस भविष्य को बताने के लिए अनुचित है। केवल इतना जान लो, महादेव शिव और प्रजापति कश्यप ऋषि प्रजापति दक्ष की जामाता बनेंगे। किंतु परमपिता। अपने किंतु के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करो नारद। परमपिता। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, कश्यप आश्रम में पधारकर आपने हमें धन्य कर दिया है। आपका स्वागत है देवर्षि। आपने यहाँ पधारकर मेरे सौभाग्य में वृद्धि की है देवर्षि। ऋषिवर, जिस पर परम देव श्री महागणेश की कृपा दृष्टि हो, उसके सौभाग्य में भला ये नारद नारायण नारायण क्या वृद्धि कर सकता है। ऋषिवर, श्री महागणेश तो प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि एवं सौभाग्य के दाता हैं। देवर्षि, आपके देव ज्ञान के सम्मुख कश्यप शून्य है। आप आदेश दें, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ। ऋषिवर, क्या आप अपने विवाह के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी से अपरिचित हैं? परिचय का प्रश्न तो तब उठता है देवर्षि, जब हम अपने विवाह के संबंध में इच्छुक हो। नारायण नारायण। अर्थात ऋषिवर, आप भी? एक भक्त अपने संबंधों को लेकर चिंतित क्यों हो देवर्षि? श्री महागणेश जी की जो इच्छा होगी, उसे ही हम उनका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। आपके विचार श्रेष्ठ है ऋषिवर। भविष्य आपके पद चिन्हों पर चलकर धन्य हो जाएगा। नारायण नारायण। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दीप्ति हूँ। राजकुमारी दीदी, आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? देवर्षि नारद के जाने के पश्चात भी क्या इस प्रश्न की आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि देवर्षि नारद ने मुझे आपके विषय में कुछ भी नहीं बताया है। आश्चर्य, किंतु देवर्षि नारद का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आप मेरे पति होंगे, इसी कारण मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आई हूँ। किंतु ये अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है ऋषिवर? बिना माता पिता की अनुमति किसी भी कन्या के पर पुरुष के समीप जाना नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। आपको इस बात का ज्ञान कैसे है कि मैं?
माता पिता की अनुमति के बिना यहाँ आई हूँ। आपके माता पिता आपको इस प्रकार यहाँ आने की अनुमति कदापि न देंगे। आपका नैतिक ज्ञान तो मेरी योग्य है, किंतु आपका व्यवहारिक ज्ञान अर्थात आप इस शक्ति से अनभिज्ञ तो नहीं कि मैं इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ। इसी कारण आप मेरे पिता के अधीन हैं। आपको मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। और आपको मेरी परीक्षा लेने का अधिकार है? निस्संदेह। जिस प्रकार आप मेरे पिता के अधीन हैं, उसी प्रकार आप मेरे भी अधीन हैं। मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, ज्येष्ठ पुत्री। अधिकारों की दुहाई न दे राजकुमारी दीति, क्योंकि एक ऋषि की परीक्षा लेने का अधिकार आपके पिता को भी नहीं है। ऋषिवर, उत्तेजित न हो राजकुमारी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। तो क्या आप मेरी और मेरे पिता की महानता को अस्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति की दृष्टि से तो मैं दक्ष प्रजापति की योग्यता स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक ऋषि की दृष्टि से न तो तुम्हारी कोई महानता है और न ही तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की। ऋषिवर, मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। निर्णय हम करेंगे, तुम्हें अपने पति के चुनाव का कोई अधिकार नहीं है। उत्तेजित न हो पिताश्री, मेरा निर्णय परमपिता ब्रह्मा जी की अटल भविष्यवाणी से जुड़ा है। न तो हम तुम्हारे निर्णय को महत्व देते हैं, न ही ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी को। होगा वही जो हमारी इच्छा होगी। आप मुझे निर्णय बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते पिताश्री। तुमने सुना नहीं दीदी, इस बात का अंतिम निर्णय हम स्वयं करेंगे। और हाँ, अब इस विषय पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पिता है दीदी, उनके सम्मान का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्हें मेरे कल्याण की चिंता करनी चाहिए। वे जो निर्णय ले उसी में तुम्हारा कल्याण है। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, किंतु इस प्रकार तुम्हें अकेले निर्णय लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो प्रश्न मेरे भविष्य से जुड़ा है उसकी चिंता करने की अनुमति भला मुझे क्यों नहीं है? ये हमारी परंपरा नहीं है। मुझे परंपराएं तोड़ने में आनंद आता है माता श्री, किंतु ये अनुचित है। क्या अनुचित है और क्या उचित, ये मैं भली भांति जानती हूँ दीदी। मैं अपना निर्णय किसी भी मूल्य पर नहीं बदलूंगी। कश्यप ऋषि के साथ विवाह करके मैं उनका अभिमान खंडित करूंगी और अपनी महानता सिद्ध करूंगी। Thank you.
समय हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। भीरों जैसी बातें करके प्रजापति दक्ष को उत्तेजित न करें महारानी। शुभ अशुभ, पाप पुण्य और सत्य असत्य रक्त सम्राट दक्ष प्रजापति के अनुचर हैं। हम स्वयं जिस घटना के और जिस परिणाम के इच्छुक होते हैं, वो घटना उसी प्रकार घटती है। किंतु जो सत्य है, किंतु परंतु जैसे शब्दों से पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को घृणा है, महारानी वीरणी, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति से बात करते समय क्या तुम इन शब्दों को नहीं अलग रख सकती? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शब्दों का उचित ज्ञान प्रदान नहीं किया? आप हर उचित अनुचित बात में मेरे आदरणीय पिताश्री को क्यों ले आते हैं? आपको ये शोभा नहीं देता स्वामी। मत भूलो महारानी, तुम इस समय पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के सम्मुख खड़ी हो। इस पृथ्वी लोक का हर प्राणी दक्ष प्रजापति के सम्मुख तुच्छ होता है। तुम भी और तुम्हारे पिता प्रजापति वीरण भी। मैं आपकी उपेक्षा करने की इच्छुक नहीं हूँ, किंतु एक चेतावनी देने की इच्छुक अवश्य हूँ। चेतावनी? ऐसी चेतावनी महारानी? मेरे आदरणीय पिताश्री तो केवल एक कन्या के पिता हैं, किंतु आप 41 कन्याओं के पिता हैं। तरीक सोचिए, यदि आपके जामाताओं ने भी आपका इसी प्रकार अपमान करना प्रारंभ कर दिया तो? अपनी मर्यादा को लांघने का तो साथ न करें महारानी, अन्यथा परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के जामाता, प्रजापति दक्ष का मान तो दूर, उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी तो साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पृथ्वी लोक के एक छत्र सम्राट स्वामी दक्ष प्रजापति है। स्वामी, अहंकार का परिणाम कदापि शुभ नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है महारानी। क्या आपका दुस्साहस शीघ्र ही हमारे क्रोध का निमित्त बनेगा? आप हमसे प्रार्थना करने की मर्यादा का पाठ भी भूलती जा रही हैं। हम स्वयं तुम्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के इच्छुक नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हमारी आज्ञा से पूर्व ही अपने पिता के समीप जाकर एक बार पुनः हमारे सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करने की मर्यादा सुन लो। साहस कैसे किया? ये साहस नहीं है पिताश्री, ये तो अपने आराध्य और स्वामी के प्रति समर्पण है। समर्पित होने के लिए तुझे वो नंद धड़ंग औगड़ शिव मिला है? अरे सोच, दक्ष महल की सुविधाओं में रहने वाली तू उस अवधूत के साथ कैसे रह पाएगी? मैं तो जन्म जन्मांतर से इन्हीं के साथ रहती आई हूँ पिताश्री,
इस संसार की समस्त सुख सुविधाएं विश्वेश्वर शिव की एक क्षण की समीपता के सम्मुख शून्य है। तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो उस धन-धरण त्रिशूलधारी की महानता का असत्य बखान कर रही है। सावधान पिताश्री, आपकी दुर्भावना आपके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। क्या? मेरी पुत्री होकर मुझे ही चेतावनी देने का दुस्साहस करती है? मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। शिव, तूने तक प्रजापति का मर्ण करने का दुस्साहस किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन तेरा घोर अपमान करूंगा, घोर अपमान, और तेरा विवाह शिव से कदापि नहीं होगा। हाँ, पूरे संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव ही है।